तो गाइस जैसे ये मनोज दे की वीडियो है और मैं इसके नीचे मेरी वीडियो सजेशन में आती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी वीडियो ये सजेशन में आ रही है और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये योगी जी की वीडियो टेक्निकल योगी, तो इसके नीचे भी मेरी यहाँ पर देख सकते हैं इस पे सजेशन में मेरी वीडियो यहाँ पर आ रही है, ये वाली वीडियो देखी। तो ये मैंने ये सब कैसे किया मैं आपको फुल डिटेल बताऊंगा किस तरीके से ये की जाती है और अपनी वीडियो सजेशन में लाई जाती है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सचिन मेचर, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों आज के जरूर बात करें कि आप अपनी वीडियो किसी के सजेशन में कैसे ला सकते हैं, यानी कि कोई किसी और बंदे की वीडियो देखता है तो आप अपनी वीडियो उसके नीचे कैसे ला सकते हैं, यानी कि सजेशन में कैसे ला सकते हैं। तो बहुत अलग तरीका बताने वाला हूं और अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा ये तरीका। तो गाइस बात करते हैं थोड़ा सा यूट्यूब सर्च और सजेशन वीडियो के बारे में। तो आपको बता देता हूं कि अगर यूट्यूब सर्च पे आके वीडियो आती है तो बहुत कम चांस है कि कोई बंदा अगर देखता है, लेकिन जो सजेशन में वीडियो आती है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर मान लेता हूँ, अगर कोई बंदा मनोज दे की वीडियो देखता है कि कैसे 4000 घंटे या कैसे चैनल ग्रो करें, तो उसके नीचे आपकी अगर वीडियो आ जाती है तो बहुत ज़्यादा चांस है, अगर उस पर 1000 व्यूज़ आ रहे हैं तो आपकी अगर 2-3 बार 10 बार वीडियो अगर आ गई तो तब भी बहुत अच्छा रहेगा कि आपकी वीडियो पे बहुत ज़्यादा चांस रहेगा कि बंदा क्लिक कर दे। तो यूट्यूब सर्च से क्या होता है कि यूट्यूब सर्च से जब बंदा सर्च करेगा उस टॉपिक को तभी आपकी वीडियो आएगी, लेकिन जो लोग पहले से फेमस है, यानी कि जो लोग पहले से बड़े यूट्यूबर हैं, अगर उनकी वीडियो के नीचे आपकी वीडियो आने लगती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो गाइस मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ यूट्यूब के जो एल्गोरिथम को समझने के लिए, यानी कि यूट्यूब किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से मैं पहले कर लेता हूँ बाद में वीडियो बनाता हूँ। मैं कुछ दिन पहले इसको ट्राई करता हूँ कि हाँ ये चीज़ वर्क कर रही है नहीं कर रही है, फिर आपको मैं वीडियो लेके आता हूँ। इसमें आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से वीडियो आती है सजेशन में। तो गाइस अगर आप सोचते हैं कि आपकी वीडियो सजेशन में नहीं आएगी तो आप गलत हैं, क्योंकि YouTube क्या है, एक प्रोग्राम है। अगर कोई वीडियो कोई देखता है तो उससे रिलेटेड वीडियो वो YouTube आपको रिकमेंडेड करता है। आप देख भी सकते हैं कि अगर आप किसी बंदे की वीडियो देख रहे हैं तो उससे रिलेटेड वीडियो नीचे आने लगती है। तो उसी को मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी वीडियो ला सकते हैं, बहुत ही अलग तरीका बताऊंगा, अभी तक तो शायद किसी ने नहीं बताया होगा। तो वीडियो को पूरा देखना और समझना किस किस तरीके से ये होगा। तो गाइस ये तरीका यूज करने से हो सकता है कि आपकी वीडियो सर्च लिस्ट में ना आए, लेकिन ब्राउज फ्यूचर में जरूर आएगी और सजेशन में जरूर आएगी, क्योंकि इसमें जो चीज बताने वाला हूं वो सर्च लिस्ट से बहुत ही ज्यादा अलग हो जाता है, क्योंकि मैं हर प्रकार का करके देखता हूं कि हाँ कैसे सर्च लिस्ट में आ रही है और कैसे सजेशन में आ रही है, कैसे ब्राउज फ्यूचर में आ रही है, यानी कि हर प्रकार का मैं देखता रहता हूं कि हाँ किस तरीके से काम करता है उसका एल्गोरिथम यूट्यूब का, और सारी बातें मैं उसकी बहुत ही डीपली समझता हूं और आपको मैं बताता हूं कि हाँ इस तरीके से भी होता है। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं और ये बहुत ही ज्यादा अलग काम करता है। अगर आप अलग तरीका अजमाते हैं तभी आपकी वीडियो चलेगी और थोड़ा सा आपका चैनल ग्रो होगा। तो गाइस एक बात और बताते हो, अगर आप नए यूट्यूबर हैं यानी कि छोटे यूट्यूबर हैं और 4000 घंटे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, उसकी डिटेल मैं आपको दे दूंगा। मैं आपके 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने में आपकी हेल्प करूंगा, तो उसकी डिटेल मैं वीडियो के आखिर में बता दूंगा किस तरीके से मैं आपकी हेल्प करूंगा 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने में। तो गाइस बिना टाइम को वेस्ट किया करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहले आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर चलते हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब में यहाँ पर मैं सर्च बार अटैक करता हूँ, सर्च बार में आपको मैं मनोज दे यहाँ पर लिखता हूँ, तो मनोज दे की मैं एक वीडियो यहाँ पर चला के दिखाऊंगा जिसमें मेरी वीडियो नीचे आएगी सजेशन में आएगी। तो यहाँ से मैं जाता हूँ वीडियो में, वीडियो में जाकर एक वीडियो ले लेता हूँ मैं मनोज भाई की, यहाँ से मनोज भाई की एक वीडियो ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। अब मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो स्क्रॉल डाउन करके करके देखता हूँ ये वाली मेरी, देखिए यहाँ पर मेरी वीडियो आ गई है। अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरी यहाँ पर रिकमेंडेड में वीडियो आई है। अब ऐसे करके मेरे हर यानी कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर उनके नीचे मेरी वीडियो आती है, तो यहाँ से मैं ये वाली कट कर दे रहा हूँ। वीडियो कट करके मैं दिखाता हूँ आपको दूसरे चैनल पे, यानी कि टेक्निकल योगी जी, यहाँ पर मैं देखता हूँ कि टेक्निकल योगी जी के नीचे मेरी वीडियो आ रही नहीं आ रही है, तो यहाँ पर मैं टेक्निकल योगी जी को सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर जाता हूँ उनके चैनल पर, उनके चैनल पर जाकर उनकी जाता हूँ मैं वीडियो पर। तो यहाँ पर चलते हैं वीडियो पर, वीडियो पर जाकर मैं उनकी एक वीडियो यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट करने पर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे करूँगा, देखूँगा यहाँ पर मेरी वीडियो आ रही है नहीं आ रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं कि मेरी यहाँ पर वीडियो आ रही है। तो ऐसे ही करके मैं जो भी बड़ा यूट्यूबर है उसकी मैं सर्च करता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक और दिखा देता हूँ कि भाई आ रही नहीं आ रही, तो यहाँ पर मैं फिर से दोबारा सर्च करता हूँ। यहाँ पर कूल टैग भाई, कूल टैग अपने विशाल भाई को मैं सर्च करता हूँ, क्योंकि मैं यार उनका फ़ैन हूँ, तो मैं जाता हूँ विशाल भाई के चैनल पर। तो कूल टैग पर गया, कूल टैग पर जाके आपको मैं इनकी एक वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं इनकी वीडियो पर जाता हूँ, वीडियो पर जाके इनकी एक कोई वीडियो यहाँ से ले लेता हूँ मैं, ये वाली वीडियो मैं ले लेता हूँ, इसको मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ। प्ले करके दिखा के आपको नीचे जाना, नीचे जाके देखूंगा तो मेरी यहाँ पर देखिए मेरी वीडियो यहाँ पर भी आ रही है। तो मेरी ये वीडियो सजेशन में आती है क्योंकि मैंने कुछ यहाँ पर ट्रिक अजमाई है, और ऐसे करके आप भी आपकी वीडियो सजेशन में आएगी। जो मैं स्टेप बता रहा हूँ तो वो आपको फॉलो करना है।
तो गाइस सबसे पहले क्या करना है आपको, एक वीडियो क्रिएट करनी है, यानी कि किसी भी टॉपिक पे या किसी भी कैटेगरी से हो, मैं अपने टैग कैटेगरी से बता रहा हूँ। अगर आपने करा थंबनेल कैसे बनाए या टैग कैसे लगाए या किसी प्रकार से आप वीडियो कर लीजिए, 4000 घंटे कैसे पूरे करें, 1000 सब्सक्राइबर कैसे पूरे करें, किसी प्रकार से आप एक अच्छी सी वीडियो आप क्रिएट करिए। अब क्या करना है आपको, आपने देखा होगा कि जो बड़े यूट्यूबर होते हैं उनकी आप उन्हीं वीडियो को सर्च कीजिए, यानी कि जो आपने जैसे 4000 घंटे कैसे पूरे करें उस टाइप से आपको वीडियो यूट्यूब पर सर्च करनी है। यूट्यूब पर जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाले, यानी कि आपको जो लेटेस्ट वीडियो एक वीक का आप रखिए या एक मंथ का रख सकते हैं, जो लेटेस्ट वीडियो है उन पे आप जाइए, उन तो आप देखेंगे वहाँ पर जो उनका टाइटल होगा, टाइटल के ऊपर एक ब्लू कलर का आता होगा, उसे कहते हैं हैशटैग। उस हैशटैग को क्या करना है आपको, उस हैशटैग को देखना है, उस हैशटैग को आपको लिख लेना है, यानी कि कहीं पर लिख लेना। आपको 10-12 वीडियो ऐसी देखनी है जो आपकी वीडियो से रिलेटेड है, यानी कि आपकी वीडियो या आप उन्हीं के ऊपर वीडियो बना सकते हैं एक प्रकार से, और उन्हीं हैशटैग को आपको इकट्ठा करना। कम से कम आपको 50 जो हैशटैग है उनको आपको लिख लेना, जो वो हैशटैग डाल रहे हैं उन्हीं को आपको लिखना है। अब आपको आगे क्या करना है, आगे आपको जाना है, जब भी आप वीडियो अपलोड करें तो आपको टैग मिलता है, टैग में आपको क्या करना है, उन्हें हैशटैग लगा के, आपको सिंपल टैग नहीं लिखना, आप पहले हैश दबाइए, हैश दबा रहे एक बात आप वही चीज लिख दीजिए, सेम टू सेम आपको वही लिखना है और कुछ भी नहीं करना, बस आप इतना कर लीजिए और आपकी वीडियो जो होगी वो सजेशन में जाने लगेगी। और मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया है कि किस तरीके से मेरी वीडियो सजेशन में जाती है। मैं यूट्यूब सर्च के लिए भी लेके आया था वीडियो, अब मैं सजेशन के लिए मैं हर प्रकार की आपको लेके आता हूँ, क्योंकि मैं सब पे करता रहता हूँ, पहले मैं खुद ट्राई करता हूँ फिर आपको बताता हूँ, अगर वो चीज काम करती है तो ठीक है, अगर नहीं काम करती तो मैं आपको नहीं बताता हूँ कि भाई ये चीज काम नहीं करती है। तो आपको ऐसे करना, आप किसी भी कैटेगरी की वीडियो बना सकते हैं, बस आपको अपने हैशटैग लगाना, और हैशटैग में जो उस बंदे का लगा हुआ हैशटैग वो आप डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं हैशटैग। अगर आपको हैशटैग नहीं लगाना आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हैशटैग क्या होता है, मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बना के दे दूंगा। तो गाइस अब बात करते हैं कि मैंने बताया था 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे कैसे पूरे करें, तो उसके लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया, अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो आप मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा अपने चैनल के थ्रू। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि मेरी वीडियो देखो, ये देखो, वो देखो, मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आपको करना क्या, मैं अपनी वीडियो आपका शॉर्ट आउट दिया करूंगा। तो गाइस अगर आपको फुल डिटेल चाहिए तो आपको ऊपर वीडियो मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, आपको एंड स्क्रीन में वीडियो मिल जाएगी, आप उससे फुल डिटेल देखिए मैंने क्या क्या बता रहा हूँ और किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम ग्रुप और क्या क्या उसमें मैं करूंगा। तो आई होप गाइस आपके लिए वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूं और बहुत अलग तरीका लेके आता हूं, मैं काफ़ी सारा उस पर टाइम देता हूं कि आपके लिए कुछ सबसे अलग मिले, यानी कि सबसे हटके कंटेंट मिले जो आपके काम का हो। भाई सब लोग बताते हैं अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन जो चीज आपको इस चैनल पे मिलेगी वो शायद कहीं ना मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और गाइस अगर आप मेरे चैनल पे नए आए और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपका दिल चाहे। तो गाइस मिलते हैं अगली एक धमाकेदार वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।